सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एंसिबल में कैसे फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब एंसिबल फैक्ट क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली फैक्ट जो होता है, एंसिबल फैक्ट, फैक्ट एक मेटा डेटा होता है जो कि मैनेज नोड का हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर मैनेज नोड का जो मेटा डेटा होता है, वही उसी को हम फैक्ट बोल सकते हैं। तो हम उसका यूसेज क्या है एंसिबल में फैक्ट का? तो फैक्ट का यूसेज ये है कि आपका जो मेटा डेटा, एक पर्टिकुलर मैनेज नोड का जो मेटा डेटा है, आप उसको यूज़ करके आप एंसिबल प्लेबुक बना सकते हो और उसमें आप टास्क इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे वो चीज़ कर सकते हो? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मेटा डेटा कैसे निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर मैनेज नोड का। तो इसके लिए मैंने दो अलग अलग फ्लेवर्स लिए हैं। अभी तक जो आपका मैंने जितना भी वीडियो मैंने बनाया है एंसिबल का, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, या फिर ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा मेरा एंसिबल का ट्यूटोरियल्स, एंसिबल का अभी तक जो भी वीडियो मैंने बनाया है। ओके, तो अभी जितना वीडियो बनाया है एंसिबल का, वो मैंने या तो अमेजोन लिनक्स लिया है। तो अमेजोन लिनक्स का जो फ्लेवर है वो भी आपका रेड हैट फ्लेवर है, मतलब यम बोल सकते हो, आरपीएम बेस्ड है। और मैंने जो लोकल नोड मैंने लिया है, वो लोकल नोड भी आपका क्या है, सेंटोस है, वो भी एक रेड हैट का आप बोल सकते हो कि मतलब आरपीएम बेस्ड है। तो इस एग्जाम्पल के लिए, मेटा डेटा के लिए, मैंने एक उबंटू सर्वर लिया है जो कि एक EC2 इंस्टेंस है। और इसी उबंटू सर्वर, एक मैंने सेंटोस लिया है और एक उबंटू सर्वर लिया, तो इस दोनों के बेसिस पे मैं आपका ये मेटा डेटा का कम आपका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो EC2 इंस्टेंस मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, जो कि मेरा उबंटू में है, रन कर रहा है मेरा अमेजोन क्लाउड पे। तो सपोज आपके मेरे पास दो नोड्स है, तो मैंने उसका एंट्री भी मैंने अपना जो इन्वेंटरी फाइल है, माई इन्वेंटरी फाइल, उसमें मैंने एक मेरा लोकल मशीन है, दूसरा मेरा EC2 इंस्टेंस है। तो EC2 इंस्टेंस मेरा जो उबंटू है, तो उबंटू के लिए मैंने कोई स्पेशल सेटअप नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो लैब सेटअप मैंने किया है, और एक ANS यूज़र से मैंने सारा जितना भी सर्वर्स मैंने एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ उसमें ANS यूज़र का सेटअप लिया था और उससे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। बट इसके लिए जो मैंने अलग फ्लेवर लिया, उसमें मैंने ऑलरेडी कोई सेटअप नहीं करके रखा, तो इसीलिए जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है, हाँ अभी तक आपने देखा कि EC2 इंस्टेंस हम जो भी यूज़ कर रहे थे उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है EC2 यूज़र। बट अगर आप उबंटू वर्जन यूज़ करते हैं, मतलब डेबियन अगर यूज़ करते हो EC2 इंस्टेंस में, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है उबंटू होता है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़र दे दिया और उसका प्राइवेट की। ठीक है, तो ये मेरे दो होस्ट मैंने लिया है इन्वेंटरी फाइल पे, और मैं इन दोनों होस्ट का मेटा डेटा निकालूंगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? एंसिबल जो मैंने इन्वेंटरी फाइल पे जो ग्रुप का नाम लिखा है, उसका नाम है वेब, मतलब दोनों VMs के। और आपको सपोज आप एक VM का चलाने से, अगर आप सपोज एक ही VM का निकालना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, 0 मतलब फर्स्ट नोड, 1 मतलब सेकेंड नोड। बट मैं दोनों ही VM का निकालूंगा, तो जस्ट मैं ग्रुप का नाम देता हूँ, -m मॉड्यूल और सेटअप। तो ये मैं सेटअप मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ फैक्ट, एंसिबल फैक्ट आपको दिखाने के लिए। सेटअप मॉड्यूल में क्या करता है, जो मेरा मैनेज नोड है, ये दोनों सेंटोस और उबंटू का, उसका जितना भी फैक्ट होता है ना, वो आपको फैक्ट मतलब जो मेटा डेटा होता है नोड्स का, वो मुझे शो कर देगा इस कमांड से। तो मैंने एंटर कर दिया इस कमांड को, एंड आउटपुट के लिए वेट करता हूँ। ये थोड़ा लंबा आउटपुट होता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, तो उस बेसिस पे आप सारे मेटाडेटा चेक करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ओके अभी हो गया रन। अभी यहाँ पे देखिए, जो ये देखा होम डायरेक्टरी उबंटू दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या है,
ये जो उबंटू हमने यूज़ किया है उसका मेटा डेटा है, ठीक है, उसके यूज़र का शेल क्या है, उसका यूज़र आईडी कौन सा है या कौन सा यूज़र आईडी यूज़ कर रहा है, एंड एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में है, देन आपका और भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि इसमें प्रोसेसर कोर्स क्या है, प्रोसेसर का काउंट्स क्या है, थ्रेड क्या है, वी सी पी यू कितना है उसमें, इवन डिस्क का भी इंफॉर्मेशन रहता है, ओके, बूट इमेज कौन सा उसने लिया है, ठीक है, वी एम लिना से AWS का बूट इमेज, इसका OS फैमिली क्या है, एंसिबल OS फैमिली डेबियन है कि उबंटू ही डेबियन बेस्ड है, अगर ये सेंटोस और या फिर RPM बेस्ड होता तो उसको डेबियन की जगह रेड हैट लिखता, ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका उबंटू सर्वर्स का डिटेल्स, या और भी कुछ डिटेल्स मैं चेक करता हूँ आपको अगर शो कर सकूँ तो, ओके, आईपीस मतलब इसका डोमेन नेम, सर्च डोमेन, सॉरी सर्च डोमेन नेम और नेम सर्वर उसका, इवन आईपी भी शो करता है, अगर कोई भी वीएम मेटा डेटा आप यहाँ पे दिखाता है तो उसका आईपी भी शो करता है कौन सा आईपी से चल रहा है वीएम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखिए IPv4, ये लोकल जो प्राइवेट आईपी है EC2 इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी दिखा रहा है, 80 पे लगा हुआ है, ओके, ये पब्लिक आईपी है, ठीक है, उबंटू सर्वर का जो EC2 इंस्टेंस है, ये हो गया मेरा लोकल मशीन, लोकल मशीन कौन सा वीएमआर बेस्ड है, ठीक है, वीएमआर मशीन है इसलिए वीएमआर बेस्ड दिखा रहा है, अगर ये देखिए वीएमआर वर्चुअल प्लेटफॉर्म, अगर इसका आप OS फैमिली चेक करोगे, एंसिबल OS फैमिली रेड हैट, ओके, तो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे मेटा डेटा है, तो आप ये मेटा डेटा यूज़ करके आप प्लेबुक लिख सकते हो और इस प्लेबुक से आप आपका टास्क इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो मेटा डेटा है आपका OS फैमिली, हाँ एग्जैक्ट जो नाम आपको मिल जाएगा आप अगर एनसीबल का प्लेबुक, ये देखिए एनसीबल OS फैमिली, अगर आप एनसीबल प्लेबुक ओपन करोगे कंडीशनल एनसीबल डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी एनसीबल डॉक्यूमेंटेशन कंडीशनल्स में जाओगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस मिल जाएगा आपको, तो कंडीशंस में देखिए आप यहाँ पे आता है कंडीशन OS फैमिली, एनसीबल फैक्ट्स OS फैमिली, ठीक है, तो OS फैमिली क्या है, आप अगर कोई टास्क इम्प्लीमेंट करते हो, सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन पे 50 सर्वर से, 50 में से 10 उबंटू सर्वर से, 5 सूसे सर्वर से, 20 रेड हैट सर्वर से और बाकी सेंटोएस सर्वर से, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हो, आप एंसिबल फैक्ट यूज कर से करके सिर्फ आपको उबंटू में आपको वो टास्क इम्प्लीमेंट करना है सारे उबंटू सर्वर्स पे, या फिर आपको सारे रेड हैट सर्वर्स पे वो टास्क इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इस बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो कंडीशंस लगा के, ठीक है, तो अभी देखिए मैंने जो ग्रैप किया OS फैमिली से, तो यहाँ पे दो सर्वर से इसलिए एक रेड हैट है एक डेबियन है, ठीक है, ये दोनों मुझे शो कर दिए क्योंकि दो VM है, अभी मुझे जितना भी इम्प्लीमेंटेशन करना है डेबियन पे करना है, मुझे रेड हैट पे नहीं करना है, उस बेसिस पे मैं एक एंसिबल प्लेबुक लिखूंगा, सपोज एंसिबल फैक्ट डॉट YML, इस फैक्ट इसके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फैक्ट के ऊपर है, एंसिबल फैक्ट्स क्या है, तो फैक्ट्स नथिंग बट ए मेटा डेटा अबाउट मैनेज नोट्स आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी आता है, मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है वो शेयर करता रहूंगा आपको, ओके, तो इस प्लेबुक को मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिपल डैश से हाइफ़न होस्ट्स, होस्ट कौन से हैं मेरे, वेब सर्वर्स जितना भी वेब सर्वर्स है सारे, बिकम ट्रू मतलब बिकम रूट टास्क, तो मैं टास्क स्टार्ट करूँगा, टास्क जो होगा मेरा
होगा उसका सपोज नाम इंस्टॉल गिट। सपोज मुझे गिट पैकेज इंस्टॉल करना है और उसके लिए जो मॉड्यूल मुझे कौन सा लेना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, यम। अभी देखिए एक चीज़, यम मॉड्यूल हम तभी लेते हैं जब हमारे पास रेडेड या आरपीएम बेस्ड ओएस होता है। बट अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है उबंटू बेस्ड। तो उबंटू बेस्ड के लिए क्या होगा, एपीटी। ठीक है, जो मॉड्यूल होगा वो एपीटी से एपीटी मॉड्यूल होगा। अभी नेक्स्ट नेम, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है मुझे, गेट पैकेज इंस्टॉल करना है। स्टेट प्रेजेंट, ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल प्लेबुक। अभी उसमें फैक्ट्स आपको डालना पड़ेगा। तो फैक्ट्स जो होता है उसका इंडेंटेशन, सॉरी, फैक्ट जो होता है उसका इंडेंटेशन इक्वल टू टास्क। आप जो टास्क लिखोगे ना, जैसे टास्क नेम या फिर मॉड्यूल नेम, तो उसके इक्विवेलेंट आपका फैक्ट्स आता है। तो फैक्ट्स में क्या होता है, व्हेन, मतलब ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ से मैं ये लेता हूँ, एंसिबल फैक्ट्स ओएस फैमिली। आप ये एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करोगे तो पूरा आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। तो व्हेन एंसिबल फैक्ट्स ओएस फैमिली इक्वल्स टू कौन सा फैमिली में इंस्टॉल करना है, मैंने डेबियन में इंस्टॉल करना है। जितना भी उबंटू है उसमें मुझे गेट पैकेज चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, एंसिबल प्लेबुक चला दूंगा। एंसिबल प्लेबुक फैक्ट सिंटेक्स चेक, हमेशा सिंटेक्स इससे चेक करता हूँ। अगर सिंटेक्स में गलती हो गया तो फिर जब रन कराऊंगा तभी मुझे एरर देगा। ठीक है, तो मैंने प्लेबुक रन करा दिया। यहाँ पे देखिए गैदर इन फैक्ट्स, तो यही है मेन आपका फैक्ट्स गैदरिंग कर रहे हैं, मतलब उसका मेटा डाटा, जो दोनों मेरा नोड से मैनेज नोड है उसके मेटा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट्स में क्या मिला उसको, दो आईपी मिला, एक लोकल मशीन का, एक EC2 का जो कि उबंटू बेस्ड है। ओके, यहाँ पे एक एरर दिखाया, फेल्ड हुआ, उसका रीजन मे बी गिट का वर्शन, जो सपोज यहाँ पे मैं सुडो apt गिट इंस्टॉल गिट। ओके, यहाँ पे गिट कोई पैकेज नहीं है, गिट डेमन बोल के पैकेज है। ठीक है, तो उबंटू में गिट कोई पैकेज नहीं, सजेस्टेड पैकेज गिट डेमन या फिर गिट SVN, तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो मैं गिट डेमन लेता हूँ और मेरा जो प्लेबुक है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, उसमें पैकेज नेम जो है ये डालता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से रन कराता हूँ मेरे प्लेबुक। तो फिर से गेदर इन फैक्ट्स करेगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक करेगा, देन वो क्या करेगा, आप जस्ट अभी चेक करना, अगर ये पैकेज सही से लेता है तब आप ये चेक करोगे कि देखिए ये जो टास्क इम्प्लीमेंट हो रहा है ये जो लोकल मशीन है मेरा उसमें स्किप हो रहा है। ठीक है, और स्किप होके इसमें इंस्टॉल करने की ट्राई कर रहा है जो मेरा EC2 इंस्टेंस है। नो पैकेज मैचिंग गिफ्ट, ओके, इज अवेलेबल, तो ये पैकेज भी नहीं मिल रहा है आई गेस। जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ,
गेट एस वी एन, ओके गेट एस वी एन चेक करता हूँ मैं इससे लेट आए कि एनी वे, मुझे जस्ट आपको ये दिखाना था कि फैक्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट जो लोकल मशीन है उसमें स्किप कर दिया और जो रिमोट मशीन में उसमें इंस्टॉल करने की ट्राई किया, भले यहाँ पे पैकेज मैच नहीं हुआ है। लेट मी ट्राई लास्ट, अगर ये पैकेज भी नहीं लेता है तो मैं ट्राई नहीं करूँगा, बट मेरा एंसिबल प्लेबुक सक्सेसफुली रन होगा और मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो भी इम्प्लीमेंट मतलब सक्सेसफुली मैं दिखा पाया आपको कि आप कैसे फैक्ट यूज़ करके पर्टिकुलर एक ओएस फैमिली, आपको सिर्फ डेबियन में इंस्टॉल करना है वो पैकेज, तो आप सिर्फ डेबियन में इंस्टॉल कीजिए, आपको दूसरे जो सर्वर्स हैं उसमें स्किप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप, मैंने एग्जांपल दिया था आपको 50 सर्वर्स में से आपको 10 सर्वर्स उबंटू के हैं, 5 सर्वर्स एंटोस के हैं और 20 सर्वर्स रेडहैट के हैं, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे सिर्फ आप ओएस फैमिली से नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से भी। सो डिस्ट्रीब्यूशन मेजर वर्जन देखे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हो सेंटोस, मेजर वर्जन कौन सा है 6, 7, 8 जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप फैक्ट्स ऐसे भी यूज कर सकते हो। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि ओएस फैमिली भी है, आप ये कंडीशनल डॉक्यूमेंट देख लेना आप एनसीबल डॉक्यूमेंट का, इसमें आपको फैक्ट्स का बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए शट डाउन सेंटोस और डेबियन मशीन, ठीक है, शट डाउन FNS अभी क्या कर रहा है, फैक्ट्स में क्या लिखा है, मुझे सेंटोस भी करना है डेबियन भी करना है, ठीक है, तो दोनों को डेबियन के वर्जन 7 है सेंटोस के वर्जन 6 है, तो उस हिसाब से दोनों को डाउन करेगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट यूज करके भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट वॉइस फैमिली कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से फेल हो गया, बट एनीवे हमारा जो मोटिव था वो सक्सेस हो गया कि हम फैक्ट यूज करके अगर कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप गिट ना हो के, मैं अगर दूसरा पैकेज चेक करता हूँ, सपोज HTTPD कॉमन पैकेज जो हर सर्वर में होता है, बट इस पे नहीं है, इस पे है अपाची, तो मैं इससे भी लास्ट ट्राई करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सक्सेस आउटपुट। अगर मुझे आउटपुट सक्सेस आता है तो जस्ट अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा, अदरवाइज ट्राई नहीं करता मैं। लेट्स सी अगर ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो, अगर नहीं होता है देन आई विल नॉट ट्राई अगेन। बट हमारा प्लेबुक मैंने जो फैक्ट आपको मेंशन किया वो फैक्ट्स यूज करके आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। हाँ, मैंने ये नाम चेंज नहीं किया एनीवे। अगर देखता हूँ इसको इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, अगर ये भी फेल आ गया तो हम मतलब इस वीडियो को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। ओके, तो फाइनली ये सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे जो अपाची पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, कौन से में, डेबियन जो सर्वर्स है उस सर्वर्स में इंस्टॉल हुआ है और बाकी दूसरे सर्वर्स में स्किप हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो आप एनसिबल डॉक्यूमेंट में जाइए और फैक्ट्स के बारे में और भी आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, हमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको मेंशन किया है, आप वो देख के आप खुद ट्राई कर सकते हो। बट बेसिकली फैक्ट्स वही है कि जो मैनेज नोड के मेटा डेटा है उसको यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो टास्क, एनसिबल टास्क। मेरा वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।